जिससे प्यार करते हैं उस इंसान के साथ शादी होगी या फिर नहीं होगी। सो हे गाइस, मैं हूँ श्रावण और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सोचो कि आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से अगर आपकी शादी नहीं हुई तब आप क्या करोगे। सो गाइज, आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बोलने वाला हूँ कि हम कैसे इस चीज़ से डील कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप जिस भी इंसान से प्यार करते हैं उससे आपकी शादी क्यों नहीं होती, उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, लेकिन जो मेनली रीज़न होते हैं कास्ट इशू या फिर आपकी इनकम, सैलरी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जब आप किसी से शादी करते हो तब फैमिली को भी मनाना होता है, तब आपको फैमिली को भी फेस करना होता है, सोसाइटी को भी फेस करना होता है अगर आपकी कास्ट अलग है तो। सबसे पहले ना, अगर आपके माइंड में भी ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे उस इंसान के साथ ही रहना है, लेकिन मेरी शादी उस इंसान के साथ होगी या फिर नहीं होगी, ऐसे थॉट्स अगर आपके माइंड में आते हैं या फिर आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता है, तो आपको सबसे पहला काम, सबसे पहली चीज़ यही करनी चाहिए। सबसे पहले कॉज को फाइंड आउट करो कि जिस वजह से आपकी शादी में प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिस वजह से आपकी शादी नहीं हो सकती। यानी ये हो सकता है कि अभी आप अपने लाइफ में सेट नहीं हो, अभी आपका फ्यूचर क्लियर नहीं है, अभी आपको नहीं पता कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, अभी आपके पास जॉब नहीं है, अभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। और इसी रीज़न से वेडिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, शादी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी या फिर उनका बेटा ऐसे इंसान के साथ शादी करे जो अपने लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहा है, जिसके पास कमाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। ऐसा परिवार उनकी बेटी या फिर उनका बेटा आपको क्यों देगा। इसलिए सबसे पहले आपको कॉज को फाइंड आउट करना है कि किस वजह से शादी में प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक कास्ट हो गया या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, और उसी पर वर्क करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे उसी चीज़ों को क्लियर करो। अगर आपके पास सैलरी नहीं है, अगर आपके पास पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, तो आप ट्राई करो कि आप मल्टीपल सोर्स बना कर रखो, आपके ज़िंदगी में आप एक अच्छी खासी कमाई करो, क्योंकि जब तक आप ठीक ठाक पैसे नहीं कमाओगे तब तक आपके लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। इसलिए एटलीस्ट इतने पैसे तो भी कमाओ कि आपकी लाइफ स्मूथली चल सके, क्योंकि बिना पैसों की ज़िंदगी नहीं चल सकती। पैसों की समझ ये आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है, इसी लाइफ में पैसा भी ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे इंसान बनोगे, अगर आप ठीक ठाक पैसे कमा लेते हो, अगर सोसाइटी में आपका नाम है, आप अच्छा काम करते हो, आपकी अच्छी पहचान है, तो शादी में प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। इसीलिए आपको भी वैसा इंसान बनना है। ये एक्सपेक्टेशन मत रखो दुनिया से या फिर उनकी फैमिली से कि वो मान जाएंगे, बल्कि इस काबिल बनो कि वो आपके लिए मान जाए। आपको जब आप उनकी फैमिली के सामने जा रहे हो, तब आपको इतना काबिल बनकर जाना है कि उनकी फैमिली आपको हाँ ही बोले। अगर आप वेल सेट पर्सन बन रहे हो, अगर आप एक कामयाबी को अचीव कर रहे हो, सक्सेस को अचीव कर रहे हो, अपने लाइफ में एक अच्छे लेवल पर हो, एक अच्छे पोजीशन पर हो, तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। बट आप खुद ही सोचो, आप पैसे नहीं कमाते हो, आप अपना पूरा दिन वेस्ट करते हो, आपके पास कोई फ्यूचर का प्लान नहीं है, आपका प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है आपके प्रेजेंट में, तो लोग आपको वैल्यू देंगे? नहीं देंगे, और ये रियलिटी है। तो आपको काबिल बनना है, आपको ऐसा वैसा नहीं बनना है। अगर आप उनके घर जा रहे हो तो आपकी भी कोई रिस्पेक्ट हो, आपकी भी कोई वैल्यू हो, आपकी भी कोई पहचान हो, आपका भी कोई स्टैंडर्ड हो। इस चीज़ को समझो
और अगर आप एक ऐसे इंसान हो, वेल सेट हो, अपने लाइफ में ठीक ठाक पैसे कमा लेते हो और अच्छा खासा नाम है, अच्छी खासी पर्सनालिटी है, तो शादी में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए बेफिजूल की एक्सपेक्टेशन रखना बंद करो, दुनिया वालों से, खुद से एक्सपेक्ट करो कि यार मुझे उस लायक बनना है। होप गाइज यू अंडरस्टैंड वॉट आई वॉन्ट टू से। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना।